बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। माए जिल हज के महीने में ही करोड़पति होना चाहते हैं, अभी ये तस्बीह पढ़ें और जल्द से जल्द अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको मालदार कर देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वलिल्लाहिल्हम्द। ज़िलहज के महीने में और ख़ासकर पहले 10 दिनों या 13 दिनों के अंदर इस तस्बीह की कसरत करना अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी आप कोई अमल वजीफा करते हैं नहीं करते हैं वो अलग है, लेकिन आपने इस दिनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चलते फिरते उठते बैठते, सहाबा इकराम का ये मामूल था कि इन दिनों में बाज़ारों में निकल जाते और बुलंद आवाज़ से लोगों को बताने के लिए पढ़ते थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वलिल्लाहिल्हम्द। तो आप भी आज से ही इसकी कसरत करना शुरू कर दीजिए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको इसी माह मुबारक के अंदर इतना रिज़्क़ से दौलत से नवाज दे कि आपकी सारी तंगियां, महरूमियां, मोहताजियां ख़त्म हो जाए, आपके घरों से बीमारियां, परेशानियां दूर हो जाए, अल्लाह ताला आपको अगर बेरोज़गार अच्छा रोज़गार नसीब फरमा दे, कारोबार चाहते कारोबार दिन ब दिन बुलंदियों की तरफ जाए, अगर आप देख रहे हैं कि आपका कारोबार दिन ब दिन डाउन जा रहा है, तो ये अमल करें, ये तस्बीह पढ़ें, अल्लाह ताला इतनी बरकत अता फरमाएंगे कि वही कारोबार जो डाउन जा रहा था अल्लाह ताला उसको बुलंदियों पे ले जाएंगे। बहुत ही ख़ास है और बहुत ही आसान है। इस महीने के अंदर कम अज़ कम 11 दिन आपने ये अमल ज़रूर करना है, बाकी अगर पूरा महीना करते रहें तो इंशाल्लाह इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इस वीडियो के अंदर शेयर करने लगूँ आपसे छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बरवक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह जरूर लिखिएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वलिल्लाहिल्हम्द। और ये तस्बीह आपने जो भी आपके सामने शेयर करूँगा रात सोते वक्त कर लें ज़्यादा बेहतर है। अभी वो रातें चल रही हैं जिन रातों की अल्लाह ताला ने कसम उठाई हुई है, तो इन रातों से करेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा आपको फ़ायदा हासिल होंगे। लेकिन अगर दिन भर भी किसी भी वक्त के अंदर आप कम अज़ कम 101 मरतबा ये पढ़ लें तो इंशाल्लाह वो भी आपको फ़ायदा मंद होगा। लेकिन रात सोते वक्त अपने बिस्तर पर लेट कर ये तस्बीह पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह 100% आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और इस तस्बीह के अव्वल आखिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना जब नमाज के अंदर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद 101 मरतबा ये दुआ पढ़नी है, तस्बीह पढ़नी है, और ये इसमें आज़म में से भी है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म अंता खलक्तनी व अंता तहदीनी व अंता तुतइमुनी व अंता तुस्कीनी व अंता तुमीतुनी व अंता तुहयीनी। ये इसमें आज़म में से है और इसमें आज़म ऐसी चीज़ है कि जहाँ दुनिया की कोई चीज़ काम नहीं आती वहाँ इसमें आज़म जो है वो काम आता है, और जिस चीज़ से दुआ कबूल नहीं होती वहाँ आप ये इसमें आज़म पढ़ ले 100% आपकी दुआएं कबूल होंगी। और जितने हमारे वज़ाइफ होते हैं, अमाल होते हैं, ये आपको इसमें आज़म में से ही निकाल के देता हूँ, इसलिए 100% इसका फ़ायदा गारंटी के साथ आपको ज़रूर होगा, नुकसान इसका आपको कुछ नहीं होने लगा। ज़िंदगी में ये अमल आपको फ़ायदा हर हाल में देगा, इसकी मेरी गारंटी है आपको, तो ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मिलेंगे फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।